तो आप एसी टेक्नीशियन हैं? जी हाँ सर। कुछ रेफ्रिजरेंट के नाम बताइए। रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम लोग R22, R32, R134, R600 यही सब गैस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये एसी और फ्रिज किस लॉ पे काम करता है? एसी और फ्रिज, एसी और फ्रिज बेसिक लॉ ये है, एक चार्ल्स लॉ है जिसके हिसाब से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी एक डब्बे में किसी एक ट्यूब में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और अगर प्रेशर घटा देंगे तो टेम्परेचर भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक लॉ है। दूसरा लॉ है कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमेशा हाई टेम्परेचर वाले डिवाइस सिस्टम से लो टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो होता है। अगर आपको लो टेम्परेचर वाले हीट को ऑब्जर्व खींच के हाई लेवल टेम्परेचर में डिवाइस में उसको डालना है तो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है। ये यही बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का चलिए, बहुत जिस अच्छे। पे ठीक, ये फ्रिज और एसी काम करता है। कंप्रेसर क्या होता है? जी, कंप्रेसर एक डिवाइस है जो लो प्रेशर के गैस को हाई लेवल प्रेशर के गैस में चेंज कर देता है। जी, कंप्रेसर का एसी में क्या काम है? कंप्रेसर एसी में ये इवेपोरेटर से गैस को सक करता है और खींच के और कंडेंसर में इसको कंप्रेस कर देता है। बस इसका बेसिक यही यही काम है, और प्रेशर कम होने की वजह से इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, और कंडेंसर में प्रेशर हाई होने की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसमें डिस्चार्ज लाइन क्या होती है? जी, जो कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है और वो जाता है कंडेंसर में, तो इन दोनों के बीच में जो पाइप लगा रहता है उसी को हम लोग डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। इसमें बताइए तो डिस्चार्ज लाइन कहाँ पे लगा हुआ है? ये वाला पाइप है जो निकला हुआ है कंप्रेसर से और इस कंडेंसर में गया है, ये वाला पाइप, इसी को हम लोग डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। ओके, तो डिस्चार्ज लाइन में कितना टेम्परेचर होता है? जी, डिस्चार्ज लाइन में लगभग 80 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर आता है। चलिए ठीक। कंडेंसर क्या होता है? जी, कंडेंसर एक डिवाइस है जिसमें रेफ्रिजरेंट गैस में वेपर के फॉर्म में इंटर करता है और लिक्विड बन के उधर से आउटपुट इसका निकलता है। तो कंडेंसर का काम यही है कि वो वेपर के रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। चलिए, कंडेंसर में कितना प्रेशर और टेम्परेचर होता है? कंडेंसर में अगर प्रेशर तो हर गैस का अलग अलग हो जाता है, अलग अलग गैस है तो उसका प्रेशर, हमारा मकसद मेन मकसद रहता है इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और अगर सिर्फ एक R22 का एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाएगा तो R22 का जो प्रेशर रहता है ये 240 से 280 PSIG के आसपास रहता है, और टेम्परेचर जो है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका प्रेशर टेम्परेचर रहता है। अच्छा, इसमें बताइए कंडेंसर कहाँ पे है? ये वाला कंडेंसर है सर, ये जो पूरा ये जो होल ये सिस्टम है ये कंडेंसर है। चलिए ठीक। अच्छा, ये बताइए इसके बारे में आप जानते हैं कुछ? जी हाँ सर, ये तो सिलिका जेल है, ये लिक्विड लाइन में इसको लगाया जाता है। ये अगर कोई रेफ्रिजरेंट के साथ कोई अदर गैस मिक्स हो गया है, कुछ अशुद्धियाँ उसमें चली गई हैं तो इसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सोख लेता है और इसको आगे नहीं जाने देता है। इस तरह से हमारा जो एसी है वो बढ़िया परफॉर्मेंस से पे काम करता है। अच्छा, इवेपोरेटर में कितना प्रेशर और टेम्परेचर होता है? जैसे कि सर मैं बताया, प्रेशर का तो फिक्स नहीं है, हर गैस का अलग अलग प्रेशर हो जाता है। अगर R22 गैस का बात किया जाए तो इसमें 68 से 70 PSIG के आसपास इसमें प्रेशर आता है, और टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है। इवेपोरेटर में यही प्रेशर और टेम्परेचर रहता है। ओके, आपने बोला कि कंडेंसर में हम 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और अगर हम उसको बढ़ाकर 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस कर दें तो क्या फर्क होगा? अगर कंडेंसर में हम लोग तो आमतौर पे 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, लेकिन अगर इसको बढ़ा के 50 से 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो
ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमारा एटमॉस्फेयर में और कंडेंसर में जितना ज़्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना आसानी से इससे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा कैपेसिटी का कंप्रेसर यूज़ करना होगा जो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा और ये थोड़ा बिजली भी ज़्यादा लेगा, तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। हालांकि ये काम बेहतर करेगा, काम वो भी अगर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो भी हमारा काम होगा और 50 से 60 रखेंगे तो भी हमारा काम होगा। बस थोड़ा सा इसमें अगर कोई हीट वाला, ज़्यादा हीट वाला इलाका है, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा हीट हो, ज़्यादा गर्मी होता है, तो उन सभी जगहों पे अगर ज़्यादा रहे तो फ़ायदेमंद है कि एसी हमारा काम करते रहेगा हमेशा। तो अच्छा रहे तो, ज़्यादा रहे तो भी ठीक है, कम रहे तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो महंगा पड़ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको घटाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा इस पर? जी, 30 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो काम तो करेगा, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वहाँ का जो वातावरण है, अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो फिर ये जो कंडेंसर है ये कूल नहीं कर पाएगा रेफ्रिजरेंट को, और ये जो हमारा गैस जो रेफ्रिजरेंट इन हुआ है वो गैस ही आउट हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर उसका लूज नहीं होगा और ये पूरा एसी फेल हो जाएगा ऐसे स्थिति में काम करने पे। तो अगर टेम्परेचर कंडेंसर का टेम्परेचर कम हो जाता है वातावरण के टेम्परेचर से तो एसी काम नहीं करेगा। ये क्या है और इसका एसी में क्या काम हो सकता है? ये तो कैपिलरी ट्यूब है सर, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसका जो आउटपुट निकलता है, ये कंडेंसर का जो आउटपुट निकलता है वो सीधा इवोपरेटर में जाता है। तो निकलते में जब इससे आउटपुट जो निकलता है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर यही चला जाएगा इवोपरेटर में तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि उधर तो टेम्परेचर कम रखना है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कि ये कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला होता है और लंबा होता है, लगभग 1.5 मीटर। तो ऐसी स्थिति में जब इससे रेफ्रिजरेंट 40 डिग्री सेल्सियस के पास इन करता है तो इसमें बहुत आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, बहुत पतला रहता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है। कैपिलरी ट्यूब में गैस लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन करता है और जो इससे आउट होता है ये 4.4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आउट होता है और वो सीधे चला जाता है इवोपरेटर में। एसी को पूरा फंक्शन करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं? डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 1.8 से गुणा करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें फिर से 32 ऐड कर देंगे, तो अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ही होगा हमारा फारेनहाइट में उसका टेम्परेचर। ओके, तो 4.4 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल कर बताइए। ये तो हम लोग यूज करते हैं, तो ये तो याद है सर, ये इवोपरेटर का ये टेम्परेचर आता है 4.4 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लगभग 40 फारेनहाइट के आसपास ये टेम्परेचर आता है। इसमें एक्सपेंशन वाल्व कहाँ पे लगा हुआ है? एक्सपेंशन वाल्व सर, ये तो 1 टन का एसी है और इसमें एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगा रहता है। ये 3 टन या 3 टन से ज़्यादा का अगर एसी है उसमें एक्सपेंशन वाल्व लगा रहता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं है। ओके, इवेपोरेटर पर बर्फ क्यों जमता है? जी इवेपोरेटर पे बर्फ जमने के कई कारण हैं। किसी भी कारण से अगर उधर का टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो गया तो उस पर बर्फ जम जाएगा। कारण कई हो सकता है, जैसे अगर हमने गैस कम इसमें डाला है, रेफ्रिजरेंट अगर कम हो गया है, तो रेफ्रिजरेंट कम होने की वजह से कूलिंग कॉइल में प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर और घट जाएगा, जिसकी वजह से बर्फ जम जाएगा। या फिर अगर कहीं ये जो हमारा ट्यूब है उस पर कहीं पिंच हो गया है, पिंच हो जाए, दब गया है अगर कहीं, तो दबने की वजह से वहाँ पे प्रेशर डाउन हो जाता है, प्रेशर डाउन होता है तो फिर टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, अगर ऐसी स्थिति में उधर बर्फ जम जाता है। या फिर अगर हमारा ये जो कंप्रेसर है ये लगातार काम करते रह गया, अगर
ये कुछ किसी कारण से अगर लगातार काम करते रह गया तो फिर उधर से ज़्यादा गैस सक कर देगा और उधर का प्रेशर लूज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसके उसका प्रेशर कम हो जाएगा और उधर बर्फ जम जाएगा। और अगर हमारा ये थर्मोस्टेट का जो सेटिंग है, अगर उसको हम लोग कम कर दिए हैं, ज़्यादा कम कर दिए हैं टेम्परेचर को, तो भी उस पर बर्फ जम जाएगा। या फिर अगर हमारा जो रूम है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है और ऐसे स्थिति में हम लोग एसी को चलाएंगे तो इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर बर्फ जमने का दिखता है कि बर्फ जम जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। ये क्या है, इसका एसी में क्या काम है? जी, ये तो थर्मोस्टेट स्विच है, ये निकला रहता है और ये आगे का जो फ्रंट पैनल है उस पे उस पे लगा रहता है और ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है और सेंस करके इसको देता है। ये एक स्विच है, थर्मोस्टेटिक स्विच है, जो टेम्परेचर जितना इसको सेट किया गया रहता है, अगर उतना डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हो गया है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप करा देता है सिस्टम को और हमारा और आगे का जो कूलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा कंप्रेसर लगातार काम करते रहेगा और ऐसी स्थिति में इवेपोरेटर पे बर्फ जम जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी की वजह से ऑटोमेटिक जो हमारा एसी है ये काम करता है, बस यही है। अगर ये खराब हो जाता है तो ये एसी पे क्या असर डालेगा? जी, अगर ये खराब हो जाएगा तो ये तो पहले तो बात की, ये ट्रिप नहीं कराएगा एसी को, कंप्रेसर को ट्रिप नहीं कराएगा तो कंप्रेसर लगातार चलते रहेगा। इससे प्रॉब्लम होगा कि पहले तो बिजली ज़्यादा उठेगा और उसके बाद इवेपोरेटर कॉइल पे बर्फ जम जाएगा और जितना हमारे जो हमारा ज़रूरत का जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर नहीं होगा। तो जो हमारा काम है जितना डिग्री सेल्सियस पर हमने सेट किया है उतना पे नहीं होगा तो फिर एसी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अगर काम नहीं करता है किसी भी कारण से तो ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर एक छोटे से रूम को हम फ्रिज के द्वारा ठंडा करना चाहें तो क्या वो ठंडा हो सकता है? मतलब ये कि एक छोटा सा रूम है और उसमें फ्रिज रखा हुआ है जिसको हम दरवाज़ा खोल दें हाँ और छोड़ दें ऐसे ही बिल्कुल। तो काम करेगा। देखिए सर, पहली बात तो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है फ्रिज का वो काम करता है, तो फ्रिज अपने अंदर के वातावरण को तो ठंडा करता है, तो ठंडा करता है, इसके बदले में जो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर हीट रहता है उसको निकाल के और उसके बाहर, फ्रिज के बाहर पीछे साइड में कंडेंसर लगा रहता है, उसके द्वारा वो रिलीज करता है वातावरण में। तो वो तो रूम में ऑलरेडी रूम में फ्रिज है, तो जब कंडेंसर में जाएगा वो हीट, तो जब बिल्कुल हीट रिलीज होगा तो वो तो हीट भी घूम के फिर से रूम में आएगा। तो एक तरह से बोले तो फ्रिज क्या काम करता है कि एक तरफ से हीट लेगा दूसरी तरफ से रूम में ही फिर छोड़ देगा। तो इस तरह से तो कभी भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि फ्रिज वो पूरा रूम को ठंडा कर पाएगा। और दूसरी बात कि इसको करने के लिए वो लगातार वो काम करेगा, उसका कंप्रेसर लगातार चलेगा, जिससे कंप्रेसर तो पक्का खराब हो जाएगा। तो यही है कि अगर 2 दिन भी हम लोग खोल के छोड़ देते हैं तो फ्रिज ठंडा नहीं कर पाएगा रूम को, यही है। ठीक है, तो एसी का पूरा एक कंप्लीट साइकिल बताइए, कैसे काम करता है एसी? जी, देखिए सर, एसी जो है ये इसमें मेन पार्ट्स जो होते हैं ये है हमारा कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर है ये इधर सेम ऐसे ही लगा हुआ है, ये है इवेपोरेटर, ये बीच में एक यहाँ पे लगा हुआ है कंप्रेसर और ये है एक कैपिलरी ट्यूब। देखिए ये जो कंप्रेसर है ये इवेपोरेटर से खींचता है रेफ्रिजरेंट को, इधर प्रेशर को कम कर देता है, जब इधर जैसे ही प्रेशर कम होता है तो इधर ठंडा हो जाता है और ये वाला भाग रूम में रहता है, तो ये ठंडा वाला भाग से जब पंखा से हवा इधर से ठेला जाता है इसमें बाहर रूम में, तो ये रूम में तो ठंडा हवा जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये रूम के बाहर रहता है, तो जब ये खींचता है कंप्रेसर इवेपोरेटर से खींच लेता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो खींच के और इसमें प्रेस कर देता है गैस को, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई होना हो जाता है जब, तो यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये फैन जो है ये एटमोसफेयर से हवा लेके और इसको इसको कूल करने का कोशिश करता है, तो इसमें रेफ्रिजरेंट यहाँ से इंटर कर रहा है और इसको कूलिंग ट्यूब के यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ट्यूब है ये सब, तो इसके जरिए जब रेफ्रिजरेंट इसमें घूमता है इधर उधर तो ये फैन जो है इसको ठंडा कर देता है, नीचे आते आते इसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया रहता है और ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ से जब ये जाता है इधर तो बीच में कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है। देखिए जब कंप्रेसर
इसको प्रेस करता है तो ये और ये इवेपोरेटर दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसे में तो जो प्रेशर यहाँ रहेगा वो प्रेशर यहाँ हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में हम लोग कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं और ये प्रेशर इधर वाला प्रेशर को इतना आसानी से उधर जाने नहीं देता है, तो ये वाला पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है, और ये वाला पार्ट में बहुत कम टेम्परेचर आता है और कम प्रेशर आता है। तो यही है बेसिक कि इसको बस ये कंप्रेसर को चालू करके इधर से प्रेशर को कम किया जाए, इधर ज़्यादा किया जाए, ये अगर हो जाता है तो फिर हमारा रूम फ्लो कूल हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी। ओके, थैंक यू सर। ओके।